নমস্কাৰ গাঁওসহৰ জিলাৰ খবৰ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা গোস্বামী জিয়াই আছে পুনম পাণ্ডে ভাইৰেল হল পুনম পাণ্ডেৰ এটা ভিডিঅ' চাৰ্ভিকেল কেঞ্চাৰক লৈ সজাগতা বিয়পোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু এই নাটক কৰাৰ দাবী কৰিছে কিন্তু ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে তীব্ৰ সমালোচনা কৰা হৈছে অভিনেত্ৰীগৰাকীক সস্তীয়া প্ৰচাৰৰ বাবেহে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে এনে কৰাৰ দাবী কৰিছে নেটিজেনে বহু লোকে গ্ৰেপ্তাৰৰো দাবী জনাইছে পুনম পাণ্ডে কিয় বাৰে বাৰে সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা বা এনেধৰণৰ তেওঁ জনপ্ৰিয়তা কৰি আহিছে পূৰ্বতে বহুকেইটা এনেধৰণৰ মন্তব্য তেওঁ কৰিছিল জিয়াই আছে এতিয়া পুনম পাণ্ডে কালিৰ দিনটো চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰত আক্ৰান্ত হৈ পুনম পাণ্ডে নামৰ এগৰাকী 32 বছৰীয়া অভিনেত্ৰী তথা মডেলৰ মৃত্যু হোৱাৰ এটা বাতৰি ওলাইছিল তেওঁৰ মেনেজাৰে এটা বিবৃতি যোগে প্ৰকাশ কৰিছিল সেই বাতৰি কিন্তু এতিয়া কিছু সময়ৰ পূৰ্বে পুনম পাণ্ডে এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি ব্যক্ত কৰিছে যে মই জিয়াই আছোঁ চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰৰ ওপৰত এটা সজাগতা বাৰ্তা দিবৰ বাবে সেইখন নাটক মই ৰচনা কৰিলোঁ কিন্তু এতিয়া পুনম পাণ্ডেই এই সজাগতা বিয়পোৱাৰ যি খবৰ সেই তাক লৈ এতিয়া বিভিন্নজনে অভিযোগ আনিছে এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে তীব্ৰ সমালোচনা কৰা হৈছে অভিনেত্ৰীগৰাকীক সস্তীয়া প্ৰচাৰৰ বাবে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে এনে কৰাৰ দাবী জনাইছে নেটিজেনে লগতে বহু লোকে গ্ৰেপ্তাৰৰো দাবী জনাইছে পুনম পাণ্ডে To shock everyone into the conversation that we are not talking enough about, which is cervical cancer. Yes, I faked my demise. Extreme, I know. But suddenly we all are talking about cervical cancer, aren't we? It's a disease that silently takes your life. And this disease needed the spotlight urgently. I'm proud of what my death news has been able to achieve. And for those who have questions for me, I will see you live on How to Fly. তেওঁ সকলোৰে ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থী বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছোঁ কানপুৰৰ পৰা নেটৱৰ্ক এটিনৰ সাংবাদিক অমিত গঞ্জুৰেক ৰিপৰ্ট মডেল পুনম পাণ্ডে কি মৌত কি খবৰ সোশ্যাল মিডিয়া পৰ আগ কি তৰফ ফেলি হে कई प्लेटफॉर्म्स पर इसका जिक्र हुआ है सोशल मीडिया हैंडल पर भी उनकी मौत की खबर की बात की गई है 32 साल की उम्र में उनकी मौत की बात की गई और ये बताया गया है कि उन्हें सर्वाइकल कैंसर था जिसके बाद उनकी मौत हुई है ऐसे में कानपुर से उनका गहरा नाता है कानपुर में तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे उनके कॉन्टैक्ट्स हैं फैमिली रिलेशंस और ऐसे में कोई भी कुछ भी मीडिया से डिस्क्लोज नहीं कर रहा है कानपुर के ही अनु अवस्थी जो हास्य कलाकार है हमारे साथ हैं सर से बात करते हैं अनु जी नमस्कार पूनम पांडे की ये खबर पे क्या कहेंगे सर आप ये सुबह से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे आ रहा है कि पूनम पांडे जी अब हम लोगों के बीच में नहीं रही अब ये सच खबर है कि झूठ खबर है अभी तक का इसका कोई वैसा प्रमाण नहीं मिला लेकिन क्योंकि पूनम जी हमारे कानपुर से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं से और एक यंग लेडी हैं एक चर्चित लेडी हैं उनकी इस तरह की अफवाह से पूरा कानपुर परेशान है हमने अपने डायरेक्टर सर से फ़ोन में बात करी अपने एडी से करा जो वहाँ एक्टर हमारे मिलने वाले हैं जो प्रोड्यूसर हैं लेकिन कोई भी 100% ये नहीं बता पा रहा है कि ये सच खबर है वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ही हमको दिख रही है किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे ये खबर नहीं दिख रही लेकिन इस सच्ची या झूठी खबर से कानपुर बहुत आहत है क्योंकि वो हमारे कानपुर उत्तर प्रदेश की बेटी है यंग है जो उनकी माँ पिता होंगे इस उम्र में इस तरह की सूचना बर्दाश्त करना हमको लग रहा है जब हम लोगों के लिए इतना मुश्किल है तो उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो रहा होगा तो हम तो ईश्वर से यही कामना कर रहे हैं कि भगवान ये खबर झूठी हो और अफवाह हो और आज के बाद ये खत्म हो जाए सर आप हास्य कलाकार मगर मैं आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ आपकी आंखें भर रही हैं क्या कहेंगे कभी जुड़ा हुआ कभी मुलाकात हुई कहीं ऐसी कोई प्लेटफॉर्म पे कहीं बॉम्बे मुलाकात हुई हो पूनम जी से हमारी एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई बातचीत हुई और वो काफी चर्चित थी देखिए सबके अलग अलग चर्चा होने के प्लेटफॉर्म होते हैं यंग थी बातचीत की बहुत अच्छी थी और हमको केवल इस चीज का बहुत दुख हो रहा है कि इस एज में किसी का जाना माँ बाप के लिए परिवार के लिए असहनीय होता है मगर पुष्टि भी नहीं पुष्टि 100% की नहीं है बल्कि लोग कह रहे हैं कि 2% हो तो हो 98% ये फेक न्यूज हो ईश्वर से हम यही कहते हैं कि ये फेक न्यूज ही हो
तो आप देख सकते हैं हमारे साथ हास्य कलाकार जो हमेशा लोगों को हंसाते रहते हैं, मगर आज इनकी भी आंखें भर आई क्योंकि पूनम पांडे का कहीं ना कहीं कानपुर जुड़ा हुआ है और उनके कहीं ना कहीं कानपुर से लगा भी रहा, और ऐसे में ये उनके साथ के कुछ पल को याद करके भावुक हो गए। विजनल आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।